सबसे पहले कुमार सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सियासी मुद्दे हैं, इतने सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे गायब क्यों दिखाई दे रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप पर ही क्यों सियासी लड़ाई? इसी रीजन है, देखिए बढ़ाते हुए मिश्रा जी से की भी बात को आगे बढ़ाते हुए स्टेट लेवल पर जो मिश्रा जी कह रहे थे कि स्टेट लेवल पर जब मुद्दे उठाने में कम पड़ जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर वैसे मुद्दों को उठाया जाए जहां का इंपैक्ट वहां स्टेट में पड़े। इसका देखिए वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मिश्रा जी, आप नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, इनके कैंपेन की स्टाइल देखिए। मुझे अभी भी लगता है कि अब इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस, मोदी जी के अंदर भी कॉन्फिडेंस घटने लगा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, आप देखेंगे नेचुरल वियर एंड टियर की भी थ्योरी है, लॉस इनको भी होगा। ठीक, एक सेकंड। और आज मुद्दे की बात में हम यही सवाल उठाएंगे कि छत्तीसगढ़ में बंपर वोटिंग बीजेपी के लिए आखिरकार क्या संकेत है? ये एक बड़ा सवाल आज मुद्दे की बात का सबसे पहला सवाल है। नोएडा से हमारे साथ ए के मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषक है। ए के मिश्रा साहब, इतना विकास फिर भी नेशनल मुद्दे दिखाई देते हैं, इतना विकास किया और दूसरी तरफ आरोपों की लिस्ट, फिर भी नेशनल इशू आ गई। चावला जी देखिए, मैं आपको बताऊं, नेशनल इशू आना, अगर मैं बीजेपी की बात करूं और प्रधानमंत्री मोदी का और उनकी टीम के साथ हर इलेक्शन में कूदना और मोदी जी के कंधे पर ही चुनावी बंदूक रख करके जो है दागना, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे इनकी जितनी भी यूनिट है या लीडरशिप है वो कमजोर है। और ये फ्रैंक सी बात है, अब की बार चैलेंजेस भी बहुत अलग है। मैं आपको बताता हूँ, यूपी का एग्जाम्पल लीजिए, जब वहां पे रीजनल पार्टियों का विकल्प मिला जैसे सपा और बसपा का, तो नेशनल पार्टियां बहुत दिनों के लिए साफ हो गई। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जोगी जी की जो अब की बार एंट्री हुई है, और जोगी जी बड़े एक कद्दावर नेता है, इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त रहेगा ना, जैसे आपने अभी बोला 72% 70% की वोटिंग, ये एक जोश दिखाता है वाकई में, ये बंपर वोटिंग है और चेंज होगा। अब चेंज का फायदा किसको मिलेगा? मुझे देखिए, होने को फायदा तो बीजेपी को भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कई रीजन है कि बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलेगा। मुझे ये लगता है गुजरात चुनाव के बाद जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि क्लीन स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो अब बीजेपी नहीं कर पाएगी, उसका रीजन है इनके पास जितने तुरुप के इक्के थे सारे तो इन्होंने प्रयोग कर लिए। छत्तीसगढ़ में भी वही जो आपने बोला, नेशनल मुद्दे क्यों? क्योंकि सारे तुरुप के इक्के तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी कर लिए। बीजेपी फिर भी मैं मानता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, लेकिन ये बॉर्डर लाइन का केस होगा। अजीत जोगी जी यहां पे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे और उसके पीछे रीजन है। देखिए, अपॉर्चुनिटी अब भी कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा है या विपक्ष के पास है, लेकिन बीजेपी करती क्या है, बेनिफिट कहां से लेती है? इनकी गलतियां, विपक्ष की गलतियां कहीं कुछ ऐसा कर देंगे, अपने ओवरऑल कैंपेन को इतने स्ट्रॉन्ग वे में ये क्लियर कट पोजीशनिंग और प्रोजेक्टिंग ये नहीं कर पाते हैं। पब्लिक का जो विश्वास है, आस्था है, इतना जबरदस्त तरीके से इनके इनके जो है पार्टी या एजेंडा में जो है आ नहीं पाता है, वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है और बीजेपी इस चीज का फायदा उठा लेती है। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये चुनाव दोनों जितने भी हैं इंक्लूडिंग राजस्थान का बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। उसका रीजन है जिस हिसाब से दम्भ के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने परफॉर्म किया और दम्भ के साथ उसको प्रोजेक्ट किया। आप नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, इनके कैंपेन की स्टाइल देखिए। मुझे अभी भी लगता है कि अब इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस, मोदी जी के अंदर भी कॉन्फिडेंस घटने लगा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, आप देखेंगे नेचुरल वियर एंड टियर की भी थ्योरी है, लॉस इनको भी होगा। ठीक, एक सेकंड। प्रेम सर, इतना इस्तेमाल तो नरेंद्र मोदी जी का नहीं हुआ जितना तो योगी जी का हो गया। छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इतना विकास किया है लेकिन फिर भी योगी जी की जरूरत पड़ रही है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मिश्रा जी से की भी बात को आगे बढ़ाते हुए, 200 कंस्टिट्यूएंसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो इम्पैक्ट जो पहले डाउनफॉल में था, हाँ, ये डाउनफॉल हो रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि योगी का इस्तेमाल
मोदी जी से ज्यादा हो रहा है, ये क्या संकेत है? इसका कारण ये है कि स्टेट लेवल पर जो मिश्रा जी कह रहे थे कि स्टेट लेवल पर जब मुद्दे उठाने में कम पड़ जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर वैसे मुद्दों को उठाया जाए जहां का इम्पैक्ट वहां स्टेट में पड़े। इसका तो यही वजह है कि हिंदुत्व क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आ रहा था। इसका एक बड़ा कॉमर्शियल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा चावला जी। होता क्या है ना, जैसे कोई चीज होती है जब पुरानी हो जाए, बार बार दिखाते दिखाते उसकी पैकिंग बदलो और वही अंदर की जो चीजें है। भाई योगी मोदी दोनों जी की फिलॉसफी तो सेम है ना, मोदी जी को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया। नहीं, फिर तो नहीं, योगी जी भगवा पहन के जाते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत पैकिंग तो डेफिनेटली चेंज हुई है, मुद्दे तो सेम है ना, नया चेहरा लाना ताकि मोनोटोनस जो कल्चर चल रहा है, जो प्रोजेक्टिंग चल रही है, मोनोटोनस पोजिशनिंग चल रही है। भाई कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, मोदी, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कुछ टाइम के बाद उसका अट्रैक्शन खोता है, हमेशा वही नॉलेज वही जोश नहीं रहता है। तो अब नए आदमी को लॉन्च किया जाए, सर क्वांटिफाई करिए ना, क्वांटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? क्वांटिफाई कर दीजिए कितने परसेंट हुआ, परसेंटाइल बता दीजिए, जो भी हो। और वैसे भी 15 साल में आंकड़े तो बदलेंगे, 15 साल में आंकड़े आप आए विकास करने के लिए, विकास ही करेंगे ना सर। पूरा भारत क्या बोलना ही है तो बोल दीजिए ना कि दुनिया में नंबर वन सबसे सुरक्षित प्रदेश या वो है बोलने में। ब्रजेश जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बताइए सर। सबसे पहले कुमार सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सियासी मुद्दे हैं, इतने सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे गायब क्यों दिखाई दे रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप पर ही क्यों सियासी लड़ाई? साइंसिक रीजन है। देखिए मान लीजिए एक मुद्दा ये है कि जी हमने सड़कें बनवाई, बहुत डेवलपमेंट किया। जब आपका काम खोखला है, आपका काम पूरा नहीं है, तो आप किस मुंह से उन मुद्दों को उठाएंगे? मैं बोलता हूं मेक इन इंडिया इतना गजब का प्लान था, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? 15 लाख रुपए वापस लाने की बात हुई थी, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? अरे हुआ ही नहीं, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो आधा अधूरा तो आप बताओगे नहीं। यानी मुद्दों में आपका, आपके मुद्दे पूरे नहीं हुए, आपके वादे पूरे नहीं हुए, तो खुद आपका कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे डेवलपमेंट लेवल पे हो। इसीलिए जो ओरिजिनल मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, सोशल इशू के, स्त्री नारी सशक्तिकरण के हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, जो रियल डेवलपमेंट के जो मुद्दे होते हैं जनता के लिए, वो कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं विकास हुआ, हर चीज हुई है, लेकिन किस लेवल तक होना चाहिए अगर इस पैरामीटर पे देखा जाए, डिफाइन किया जाए, तो सारी पार्टियों को मैं अपरिपक्व और मतलब परिपूर्ण मैं नहीं मानता हूं। केवल वो ढोल पीटे जा रहे हैं कि जी विकास हमने किया। अगर आप लोगों ने विकास किया है, कहीं पे भी आप देखिए, कोई भी एक ऐसा इंडेक्स बता दीजिए सर जिसमें इंडिया टॉप 50 में आता हो, सब में 120, 122, 125, 111 आ रहा है। तो डेवलपमेंट का मुद्दा ये लोग इसलिए नहीं उठाते हैं कि इनका खुद का कॉन्फिडेंस अपने एजेंडे में नहीं होता है, नहीं। तो वो इमोशनल उस पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोप में जो है, जो अहम मुद्दे हैं वो गुम हो रहे हैं? नहीं, अहम मुद्दे नहीं। देखिए आरोप प्रत्यारोप तभी होता है ना जब दोनों पक्ष, उनके पास कहने के लिए कोई सॉलिड चीज है नहीं। भाई तो करना क्या है, कीचड़ उछाल दो ताकि हमारी इज्जत बची रहे। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, और राहुल गांधी बोल रहे हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ में भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, लेकिन दिग्विजय पर तो सर कांग्रेस वालों को कॉन्फिडेंस नहीं है, दिग्विजय सिंह को खुद नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, मुझे लगता है सारी चीजों पे पक्ष विपक्ष को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है उस पे ये बात ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है नाम से पुकारते हैं जी की तरह किनारे कर दिया, बिल्कुल किनारे नहीं किया गया है, बिल्कुल किनारे नहीं किया गया, बिल्कुल किनारे नहीं किया गया है। आप खुद को आप नहीं नहीं अरे ये तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, भारतीय अपने फेवर में सर। दिग्विजय सिंह जी ने चूंकि देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने जितनी बातें कहा, जितनी बातें दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के बारे में कहा, रोजगार मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निर्णय होता है बीजेपी को मदद करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। फाइनल कमेंट आपका, ये इस तरह के जो बयान होते हैं किसको फायदा देते हैं? चावला जी हर वक्त मैं आपके चैनल पे बोलता रहा हूँ कि जो इमोशनल मुद्दे होते हैं, इमोशनल बयानबाजी होते हैं, वही चुनावों में जो है टर्निंग पॉइंट को क्रिएट करते हैं। आपने खुद बोला कि डेवलपमेंट के मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं, टाइम कम होता है, 2-4-6 दिन में सारे वोटर्स को एंगेज करके उनको पलटना होता है हर इलेक्शन में, इसीलिए जाति पाति धर्म और ये सब मुद्दे हावी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।
हैं।